तो बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स का थर्ड चैप्टर आ चुका है और अब इसके बाद बोरुटो क्या ये कोई बोल सकता है क्या? तो चैप्टर स्टार्ट होता है बोटो और कोड के फाइट के साथ, जहां बोटो कोड की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी कोड सोचता है कि ये कोई वेनिशिंग रासेंगान है क्या, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वेनिशिंग रासेंगान को अगर सरप्राइज अटैक ना रखे तो वो किसी काम का नहीं है। और इसके बाद सडनली कोड पीछे से आके बोटो को अटैक करता है और बोटो उसे डॉच करता है और फिर बोटो अटैक करने जा रहा होता है कि कोड उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर इसके बाद कोड बोटो पर अटैक करता है लेकिन बोटो उसके स्वॉर्ड से उसका अटैक को रोक देता है। फिर कोड बोटो को बोलता है कि तुम इस जूत्सु के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लेकिन ये काफी शर्म की बात है कि तुम इससे मुझे हिट भी नहीं कर सकते। जिस पे बोटो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मारना आसान है और इनफैक्ट मैं वो अभी करने ही वाला हूँ। जिसके बाद बोटो उसके राइट हैंड से रासेंगान उज़ुई को वो कोड के लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर देता है और कोड की फट जाती है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। लेकिन बुंड फटी की हालत में कोड फिर भी बोलता है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए। फिर बोटो बोलता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मुझे जल्द से जल्द बता दो कि टेंटेल्स कहाँ पे है, नहीं तो यहाँ पे तुम मारे जाओगे। और फिर कोड बोलता है कि छोटे मुझे मारना मजाक है क्या, इतनी हिम्मत है तो ट्राई करो। फिर कोड बोटो पे अटैक करता है लेकिन बोटो डॉच कर लेता है। फिर एक और बार कोड अटैक करता है और बोटो डॉच कर लेता है, लेकिन फिर कोड के समझ में आता है कि बोटो उसके अटैक्स को डॉच नहीं कर रहा है और ना ही ये कोई गेंजुत्सु है। देन सडनली बोटो कोड के सामने के खड़ा हो जाता है और उसे एकदम जोर के रासेंगान उज़ुई को पेट पे मारता है। और एकदम आराम से घर में बैठ के भाई ईडा इन सारी फाइट्स को देख रही थी और वो बोलती है कि ये तो काफी बेसिक जुत्सु है, इसमें रेगुलर रासेंगान से अलग क्या था। और इसी डायमोन एक्सप्लेन करता है कि बोटो की वजह से फिलहाल अभी ग्राउंड हिल रहा था। इस अटैक में पूरा अर्थ शामिल है क्योंकि इसमें प्लैनेटरी स्पिन यूज होता है। और ईडा को डायमोन की बात घंटा भी समझ में नहीं आती और फिर से हमें फाइट सीन दिखाया जाता है जहां बोटो हैरान था कि बोटो के इतने सॉलिड अटैक के बाद भी कोड खड़ा कैसे हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोड पे रासेंगान उज़ुई को का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कोड को विंड फिलहाल प्लैनेटरी स्पिन करते हुए दिखाई दे रही है। कोड के दिमाग में आता है कि भाई ये क्या बकचोदी है और वो भाई चक्कर खा के गिर जाता है और वो पूछता है कि भाई ये क्या चुतिया आप है। बोटो बोलता है कि इस चीज को एंजॉय करो, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है उस प्लैनेट के लिए जिस प्लैनेट को तुम तबाह करने जा रहे थे। फिर बोटो एक्सप्लेन करता है कि रासेंगान उज़ुई को काम कैसे करता है। तो सिंपल भाषा में कहे तो रासेंगान उज़ुई को एक पावर है जो अर्थ की रोटेशन से काम करती है। अब तुम लोगों को पता ही कि सिंपल फिजिक्स है भाई, अर्थ की रोटेशन कभी रुकती नहीं है और अटैक भी वैसे ही काम करता है क्योंकि जब तक अर्थ की रोटेशन रुकेगी नहीं तब तक भाई कोड को ऐसी मिर्गी के दौरे आते रहेंगे, ऐसी चक्कर आते रहेंगे और ये चीज कोड को डैमेज देती रहेगी तब तक जब तक वो पेला नहीं जाता। लेकिन एक तरीका और है, बोटो इसे खुद भी रोक सकता है और वो कोड को एक चॉइस भी देता है कि तुम मुझे टेंटेल्स का पता बता दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इनकी प्यार भरी बातें चल ही रही होती है कि इतने में चूतिया आके बोटो पे अटैक कर देता है और फिर हिमावारी बोटो को आवाज देती है बोटो करके। भाई थोड़े समय के लिए बोटो के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। और फिर इसके बाद शिकड़ा बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो बोटो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। बोटो बोलता है कि मैं यहाँ पे एक डील करने की ट्राई कर रहा हूँ, तुम कहीं और जाके क्यों नहीं खेलते। और मौके का फायदा उठाते हुए कोड भाई भागने की कोशिश करता है लेकिन कावाकी उसे रोक देता है और कावाकी शिकमारो को बताता है कि कोड हमें मिल चुका है और मैं उसे यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। फिर बोटो कावाकी से बोलता है कि कोड से दूर हटो, उसे उंगली करना बंद करो। इस पे कावाकी बोलता है कि तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, और एक बात बोलो अब तू यहाँ आ ही गया है तो तू भी पेला जाएगा। और फिर एकदम से कोड के अंदर से क्लॉग्राम निकलता है और कावाकी उसे झटके से मार भी देता है। लेकिन बेकार बात ही होती है कि कोड भाई मौके का फायदा उठाते हुए भाग जाता है उसके क्लॉग्राम के अंदर से। और कोड के भागने के बाद कावाकी सबको बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे निपटना है। और फिर इसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ तुम्हें याद हुआ कि क्लॉग्राम के काटने से बंदा डिवाइन ट्री बन गया था और सारा दूसरे बंदे को बता ही रही होती है कि टेंटेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। वो बताती है कि टेंटेल्स एक ऐसा क्रिएचर है जो सिर्फ ओत्सुकी को खाने के बाद एक डिवाइन ट्री बनता है। और वो बताती है कि ये जो बंदा भी ट्री बना है ये मरा नहीं है, ये भी जिंदा है क्योंकि डिवाइन ट्री बनाने के लिए टेंटेल्स को एक रियल ओत्सुकी लगता है और ये बंदा एक रियल ओत्सुकी नहीं है, इसलिए ये डिवाइन ट्री गलत बना है, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ का के बोल रहा होता है कि 3 साल हो गए, नहीं ये ऐसे के कपड़े पहने तूने, क्या तुझे उचिया ने अडॉप्ट कर लिया है। इस पे बोटो बोलता है कि काफी अच्छी बात है कि तू जैसा चूतिया था वैसा अभी भी है और मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि हिमावरी फिलहाल ठीक ठाक है। और कावाकी बोलता है कि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हारा खेल भी खत्म कर देते हैं। बोटो बोलता है कि अपने होम टाउन में मरना सुनने में अच्छा लगता है लेकिन आज नहीं क्योंकि मुझे दूसरे भी काम निपटाने हैं, इसलिए कावाकी मेरे रास्ते में से हट जाओ। इस पे कावाकी बोलता है कि तुम एक लौती चीज हो बोटो जो मेरे रास्ते में अटकी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि बोटो गर्दन पे एक टोड है। अब काफी लोगों को ये लग रहा है कि काशिन कोजी का टोड है और मुझे भी लगता है ऐसा हो सकता है। और वो टोड बताता है कि कोड उसके बेस पे वापस चला गया है। बोटो बोलता है कि क्या तुम्हें टेंटेल्स दिखाई दिया। कोड भाई एकदम धक्के खाते हुए जाके टेंटेल्स को देखता है
और हम यहाँ टेंटेंस को देख सकते हैं जो कि काफी अजीब फॉर्म में है। और फिर वो टोड बोटो को बोलता है कि मुबारक हो मुझे टेंटेंस मिल गया है। इस पे बोटो बोलता है गुड, बहुत बढ़िया बात है। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एंड दिस चैप्टर वॉज रियली समथिंग एल्स भाई, किशिमोटो ने सच में इस बार ट्रम्प कार्ड फेंक दिया इस चैप्टर में। बाकी इसके अलावा तुम्हें चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बता देना। बाकी मैं अपना वर्स आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।